गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर विश्वेश्वरन हूँ, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजी, स्क्विंट, कैटरैक्ट एंड न्यूरो ऑफ्थल्मोलॉजी। आज जिस विषय में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है आपके जानकारी के लिए, और वो है बच्चों के आँख में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो जो सबसे कॉमन चीज़ है बच्चों में वो है आँख का, आँख में नंबर आना या पावर आना। तो ये प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, या सिलिंड्रिकल पावर भी हो सकता है। तो ऐसा आपके बच्चे के आँख में नंबर आ जाता है तो यूजुअली बच्चे कंप्लेन करते हैं कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है, या हेडेक है, या हो सकता है कि बच्चा स्कूल में ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा हो। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अगर ऐसा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, बिकॉज इसका एक ही इलाज है। मोस्टली हमें बच्चे को चश्मा ही देना पड़ता है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो 8 साल के उम्र के बच्चों, उम्र से पहले जो बच्चे जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ऐसे, तो वो जनरली परमानेंट रह जाते हैं। मतलब वो जो विजन लॉस जो होता है वो आजीवन रह जाता है, और उसको हम बाद में ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप जब बच्चा ऐसा कोई कंप्लेंट करे तो आप तुरंत जाके डॉक्टर को दिखा दें। और जो दूसरा प्रॉब्लम है जो कॉमन है बच्चों में, वो है तिरछापन या स्क्विंट। तो जब भी कोई बच्चे के आँख में आप देखते हैं कि टेढ़ापन है, तो आपको तुरंत उसको एड्रेस कर देना चाहिए। एड्रेस मतलब डॉक्टर के पास लेके जाइए, वो जांच करेगी और फिर बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है बच्चे के लिए। जैसे मैंने बताया, 8 साल की उम्र से पहले अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम इरिवर्सिबल विजन लॉस को पैदा कर देता है। तो बेटर है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और उसको ट्रीट करा दें। ये बिल्कुल लकी नहीं है किसी के लिए भी, और बहुत लोग समझते हैं कि 18 साल तक ये अपने आप ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है, वो सारे गलत फहमियाँ हैं। तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। और जो एक प्रॉब्लम है जो बच्चों में इतना कॉमन नहीं है लेकिन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कैटरैक्ट या मोतियाबिंद। बच्चों में कैटरैक्ट पैदाइशी हो सकता है, या पैदा होने के कुछ साल बाद आ सकता है, या कुछ शरीर में कुछ बीमारियों के वजह से हो सकता है, जिसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, या चोट के वजह से भी हो सकता है। इसका और कोई इलाज नहीं है। अगर मोतियाबिंद है तो डेफिनेटली उसको सर्जरी से ही हम ट्रीट करते हैं। बच्चे को आजीवन चश्मा पहनना पड़ता है, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो विजन लॉस तो परमानेंट रह जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं एक बहुत कॉमन कंडीशन, वो है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। मतलब बच्चे के आँख में अगर खुजली होती है, या लाली हो जाता है, या आँख में आँख से पानी निकलता है, तो फिर जनरली ये इंडिकेट करता है कि बच्चे के आँख में एलर्जी है। ये सीजन के चेंज होने की वजह से हो सकता है, या पूरा साल ये रह सकता है। बट अगर ऐसा है तो उसको ट्रीट करना पड़ता है, बिकॉज ये बच्चे के क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर देता है, और इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, तो आपको रेगुलरली डॉक्टर के पास फॉलोअप पे जाना है। फिर एक और रेयर कंडीशन है, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट है, तो इसीलिए इसके बारे में मैं मेंशन करना चाहता हूँ, वो है रेटिनोब्लास्टोमा, या बच्चों के आँख का कैंसर। देखिए, बच्चे के आँख में अगर आपको कुछ सफ़ेदी दिखता है, या आँख में तिरछापन है, या आँख लाल हो जाती है, या कोई और अजीब सिम्टम होता है नॉर्मल से हटके, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बिकॉज ये रेटिनोब्लास्टोमा बच्चे के जान को भी ले सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि ऐसा कोई कंडीशन है जिसका नाम है रेटिनोब्लास्टोमा, और अगर वो है तो फिर उसका इलाज हमें तुरंत करा लेना चाहिए। थैंक यू।